नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग TGT, PGT, LT ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, GIC लेक्चरर, साथ ही साथ झारखंड TGT, PGT और UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। वही जो हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है। दोस्तों, वहाँ पे हम लोग कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी थियोरी कंप्लीट नहीं रहेगी तब तक प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के A to Z सभी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार, चाहे आप झारखंड TGT PGT की बात करें या यूपी TGT की बात करें, TGT PGT की बात करें, आपके दो 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 बैच चला जा रहे हैं, दोनों अलग अलग बैचेज हैं और आपके सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। नोट्स की एक समस्या होती है इकोनॉमिक्स के साथ कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों, आपको मैं बहुत सारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको और कितना मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, करंट भी आपका कवर करा दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको दे दिया जाएगा, और झारखंड से है तो झारखंड स्पेशल भी आपका कवर करा दिया जाएगा। अर्थात मेरे द्वारा आपको वो सारी चीजें दी जा रही हैं जो भी आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। और दोस्तों, वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम है, आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे द्वारा सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2,000 रुपया है दोस्तों। तो 2,000 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, 9415-863-873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसका स्क्रीन शॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, झारखंड भी TGT PGT का भी नया बैच प्रारंभ है, तो यहाँ भी आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, करेंट और झारखंड स्पेशल सब कुछ मेरे द्वारा दिया जा रहा है। कुछ भी आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस 2,000 रुपये है दोस्तों। इस नंबर पर 2,000 रुपये पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर जो केवल आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहिए तो सिंपल सटीक और साधारण भाषा में लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ इकोनॉमिक्स का नोट्स उपलब्ध है दोस्तों। फीस पेमेंट करके इस नंबर पर आप लोग नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तैयार कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, और 1,250 प्रश्नों का आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अगर जो केवल आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, वीडियो और PDF दोनों फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अगर जो दोस्तों आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी अतिरिक्त टेस्ट सीरीज या नोट्स या PDF कुछ भी आपको परचेज नहीं करना है। मेरे द्वारा जितनी भी चीजें दी जाएंगी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आज हम लोग वहीं से मूव आगे करेंगे जहां कल हम लोगों ने सेशन को द एंड किया था। कल आपकी क्लास बेसिकली हो नहीं पाई थी, हुई भी तो थोड़ी बहुत हुई थी। तो अब दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग वहीं से मूव करेंगे कहाँ से, जहाँ कल छोड़े थे, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। अमरेश जी, राम सजीवन जी, रत्नेश जी, सुनीता जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई गलत इसमें करेगा। तो जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं भैया, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। हीरा, जल विरोधाभास, ये मतलब देखिए उत्तर आपको पता है, अच्छी बात है, लेकिन आपका दिमाग कैसे वर्क करना चाहिए, आपका दिमाग वर्क करना चाहिए कि अच्छा चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को, कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए, कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को। चलिए,
तो ठीक है, आगे मूव करेंगे। पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, जैसा कि मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि हीरा जल विरोधाभास मुख्यतः किससे संबंधित है। भैया ये उपयोगिता से संबंधित है और इसके अंतर्गत एडम स्मिथ साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि हीरा जो है वो जीवन जीने के लिए उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महंगा है और पानी जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन फिर भी ये क्या है दोस्तों, सस्ता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस स्थिति में मांग वक्र के ढलान की स्थिति धनात्मक होने की संभावना है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा कि किस स्थिति में मांग वक्र के ढलान की स्थिति धनात्मक होने की संभावना है। तो दोस्तों कल के सेशन में शायद इस प्रश्न को हम लोगों ने देखा था, कल का यही लास्ट प्रश्न था, युद्ध की स्थिति में गिफिन विरोधाभास के संदर्भ में और सट्टा के संदर्भ। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न ही गड़बड़ है, क्योंकि इसी में क्या होता है ना कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि द्विपक्षीय एकाधिकार की मान्यताओं को इंगित करिए। चलिए द्विपक्षीय एकाधिकार की मान्यता को क्या करिए, इंगित करिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल ठीक है, तो इसका उत्तर क्या कर रहे हैं भैया, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि बिना प्रतिस्थापन के केवल एक वस्तु होती है, एक अधिकारी अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है और एक क्रेड इसका केवल क्रेता होता है, तो भी बात तो बिल्कुल भैया ठीक है। जितने लोग भी डी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक। अगला प्रश्न, प्रतिस्थापित वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच होती है। चलिए भैया प्रतिस्थापित वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच कैसी होती है बताइए। एक होता है दोस्तों प्रतिस्थापी, दूसरा होता है पूर्ण प्रतिस्थापन, तीसरा होता है पूरक और चौथा होता है शून्य। ठीक है, तो प्रतिस्थापन में क्या होता है भाई, प्रतिस्थापन में जो होता है वो धनात्मक होता है, पूरक में क्या होता है, पूरक में जो होता है वो होता है ऋणात्मक, और जो दोस्तों शून्य होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, ये स्वतंत्र वस्तुओं के लिए होता है, ये याद रखना। चलिए आगे मूव करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही नहीं है बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो अगर जो दोस्तों क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को आपने पढ़ा होगा तो आप ये बात जानते होंगे कि इन्होंने अपने पूर्ण रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत कीमतें, मजदूरी और ब्याज दर, इन तीनों को इन्होंने क्या माना था, परिवर्तनशील माना था। ठीक है, ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर होगा, डी होगा। डी क्यों बोल रहे हैं भाई, डी क्यों बोल रहे हैं, ठीक से पढ़े नहीं इसलिए आप डी बोल रहे हैं। अरे भाई जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने जो अपना पूर्ण रोजगार सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने कीमतों को, मजदूरियों को और ब्याज की दर को, इन तीनों को परिवर्तनशील माना था। और यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है कि कीमतें जड़ हैं, नहीं भैया कीमतें जड़ नहीं है, इन्होंने कीमत को, मजदूरी को और ब्याज दर, इन तीनों को इन लोगों ने परिवर्तनशील माना था। और यहाँ पे दिया है भैया कि नहीं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं अब ठीक बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बोल जा रहे हैं। अगला प्रश्न, जब तरलता अधिमान वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो निम्नलिखित में से क्या सही है, मुद्रा शेष को रखने की अवसर लागत पर क्या असर पड़ता है बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बोल रहे हैं,
जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक है कि जब तरलता अधिमान वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो निम्नलिखित में से क्या सही है, मुद्रा शेष को रखने की जो अवसर लागत होगी दोस्तों वो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, यही तो होता है ना कि तरलता को नगद रूप में रखने पर अवसर अवसर लागत में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, इसलिए होती है कि नगद को बैंक में रखकर अधिक ब्याज दर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेखीय उपभोग फलन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सही है। बिल्कुल ठीक है, चलिए रेखीय उपभोग फलन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सही है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या, आवाज कम है क्या, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। अब ठीक है, अब आवाज ठीक आ रहा है, कमेंट करके मुझे बताइए कि वॉइस की क्लियरिटी अब ठीक है। ठीक है, चलिए अब वॉइस की क्लियरिटी ठीक आ रही है। चलिए तो आगे मूव करते हैं कि रेखीय उपभोग फलन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सत्य है, क्या उत्तर होगा भाई। नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं ना, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक होता है ना कि औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर होता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बराबर होता है। तो कहाँ पे दिया है, एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, लागत जन्य मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कारगर होगा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, लागत जन्य मुद्रा स्फीति को नियंत्रित है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि लागत जन्य मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कारगर होगा, क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई एक के अलावा कोई और है, एक के अलावा कोई और है, प्रत्यक्ष करों में कटौती करना, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम क्या कर दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बैंक दर को हम कम कर दें। तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, थोड़ा आराम से इस प्रश्न को करिए तब, ठीक है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग ए बोल रहे हैं कुछ लोग बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, लागत जन्य मुद्रा स्फीति मतलब इसमें क्या होता है कि वस्तुओं के लागतों में वृद्धि होती है, और जब वस्तुओं के लागतों में वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है दोस्तों, महंगाई आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में बैंक दर को कम किया जाएगा ना, बैंक दर को कम कर दिया जाएगा, बात को समझिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए,
ध्यान से समझिए बात को, ये लागत जन्य मुद्रा स्फीति होगी, और लागत जन्य मुद्रा स्फीति के अंतर्गत क्या आता है, वस्तुओं की लागतों में वृद्धि के कारण जो मूल्य बढ़ता है, ऐसी इस प्रकार की उत्पन्न स्थिति को हम लोग लागत जन्य मुद्रा स्फीति। तो ऐसी स्थिति में अगर जो हम बैंक दर को कम कर दिया जाए, तो एक जो निवेशक बड़े पैमाने पे क्या कर रहा था कि ब्याज दे रहा था व्यापारिक बैंकों को या और बैंकों को, वो अब क्या करेगा कि अब वो थोड़ा कम ब्याज देगा। अब कम देगा तो भैया अब इसकी जो लागत एक तरीके से जो आपके टैक्स के रूप में चली जाती थी, अब ये कच्चे माल पे व्यय करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना दोस्तों, बैंक दर को कम कर देना, ठीक है। और यहाँ पे नगद कोष अनुपात बढ़ाना ये भी ठीक है, लेकिन दोस्तों आयोग ने जो उत्तर दिया है वो ऑप्शन नंबर बी को दिया है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा गया प्रश्न है और आयोग ने इसका उत्तर जो दिया है वो बी दिया है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित सॉरी केन्स के उपभोग फलन में किस आय के विचार का प्रयोग किया जाता है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। केन्स के उपभोग फलन में किस आय के विचार का प्रयोग किया गया है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा। जो लोग उसमें सी कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, नगद आरक्षित की बात होती है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलिए केन्स के उपभोग फलन में इस आय के विचार का प्रयोग किया गया है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका उत्तर आना चाहिए क्या, वर्तमान आय या वास्तविक आय, वर्तमान आय या वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर क्या होगा। बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, वास्तविक आय की बात थोड़ी करते हैं भाई, वास्तविक आय की बात थोड़ी करते हैं, बिल्कुल ठीक है भैया, छोटी सी बात है। केन्स साहब कहते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है, एक जो उपभोक्ता होता है, वो अपने वस्तु अपना जो उपभोग होता है वो अपने वर्तमान आय के आधार पे करता है। छोटी सी बात थी, बच्चों वाली बात थी, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो केन्स साहब अपने उपभोग फलन के अंतर्गत ये बात कहते हैं कि एक जो उपभोक्ता होता है ना, वो क्या करता है, उपभोग अपनी वर्तमान आय के अनुसार करता है, ना कि वास्तविक या सापेक्षिक, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, छोटी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। निम्नलिखित पर आपको क्या करना है भैया, ध्यान देना है, और ध्यान देके कुछ कूट दिए गए हैं, मिलाना है, मिलाइए। चलिए निम्न पर ध्यान दीजिए और कूट को बेसिकली आपको मिलाना है, क्या उत्तर होगा भाई। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, पहला दिया है कि ए का बाजार नियम, दूसरा है लचीली वास्तविक मजदूरी दर, और तीसरा है दोस्तों बचत ब्याज दर का फलन, ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर होगा, बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग, दोस्तों थोड़ा सा एक सेकेंड रुक जाइए, आज की क्लास में बहुत सारा चलिए 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है कि क्लास में बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। चलिए मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पे आपको ध्यान देना है, पहला दिया है कि सेक का बाजार नियम, दूसरा है लचीली वास्तविक मजदूरी दर, तीसरा है बचत ब्याज दर का फलन होता है, केन्स इनमें से किससे सहमत थे, आपको कूट मिलाना है, क्या उत्तर आ रहा भाई। सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो
देखिए दोस्तों, जितने लोग भी सी की तरफ जा रहे हैं सब के सब गलत हैं, ठीक है। जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी के सभी लोग सही हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी है कि निम्नलिखित में से किस पर, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, और सी का बाजार नियम। सही है भैया, खेल साहब बिल्कुल सहमत सहमत थे, बिल्कुल बात ठीक है। लचीली वास्तविक मजदूरी से भी ये सहमत थे, और बचत ब्याज दर का फलन होता है इससे भी सहमत थे। तो जितने लोग भी मतलब सहमत नहीं थे, सॉरी मुझे नहीं बोलना था, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं बोलना था, मैंने यस बोल दिया, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, कि केन्स के अनुसार एक ऐसी स्थिति जहाँ रोजगार के पूर्ण स्तर आय पर कुल व्यय जब कुल उत्पाद से अधिक होता है तब उसे परिभाषित किया जाता है। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, कि केन्स के अनुसार एक ऐसी स्थिति जहां रोजगार के पूर्ण स्तर आय पर कुल व्यय जब कुल उत्पाद से अधिक होता है तब उसे हम कैसे परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ध्यान से, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। क्या उत्तर हो रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? बी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। तो बी होगा कि ए होगा? देखिए ध्यान से पढ़िए, कि केन्स के अनुसार एक ऐसी स्थिति जहां रोजगार के पूर्ण स्तर आय पर कुल व्यय जब कुल उत्पाद से अधिक होता है, मतलब व्यय क्या हो रहा है भैया, ज्यादा हो रहा है, और उत्पाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब उसे उन्होंने भैया मांग जनित स्फीति की बात कही थी ना, कि कुल व्यय क्या हो रहा है आपका, ज्यादा हो रहा है, और उत्पादन जो है वो कम है, मतलब आप थ्रो कर रहे हैं पैसा, क्या कर रहे हैं मार्केट में थ्रो कर रहे हैं, आप पैसा ज्यादा फेंक रहे हैं मार्केट में, ज्यादा पैसा आप खर्च कर रहे हैं। तो भैया ये तो मांग सृजित स्फीति की बात होती है ना, तो ऑप्शन नंबर बी है, मुझे नहीं लग रहा है। क्यों आप लोग इसमें इतनी गलतियां कर रहे हैं भाई, इसमें बी क्यों कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए की बात है ना, कुल व्यय बढ़ जाता है, कुल व्यय बढ़ता है इसका मतलब यही, क्योंकि तो मांग में वृद्धि आ जाती है, और मांग में जब वृद्धि आती है तो मांग सृजित स्फीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला, व्यापार चक्र के गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया सिद्धांत को जोड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। व्यापार चक्र के गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया सिद्धांत को जोड़ा जाता है। थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, सर ग्राफ से बताइए इसे। देखिए मेरा मार्कर क्या है कि उतना अच्छे से काम नहीं करता है कि कोई भी ग्राफ में यहाँ पे आप लोग को रिप्रेजेंट कर दूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा उस चीज से क्या होता हूँ, बचता हूँ, ठीक है। थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, आगे कुछ महीनों में बहुत जल्द, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे जब मैं आऊँगा तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लिया करिए जिस प्रश्न में आपको समस्या। चलिए भाई इस प्रश्न का उत्तर करिए, कि व्यापार चक्र के गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया सिद्धांत को जोड़ा जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इसको तो हम लोगों ने 2-3 क्लास से लगातार देखा है, किया भी है, ठीक है। तो व्यापार चक्र के गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया सिद्धांत को जोड़ा जाता है J.R. Hicks के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न, व्यय योग्य आय बराबर है, व्यय योग्य आय किसके बराबर होता है बताइए। चलिए, कि व्यय योग्य आय बराबर है, ठीक है, व्यय योग्य आय बराबर है किसके बराबर है भाई, व्यय योग्य आय बराबर है, व्यय योग्य आय क्या होता है बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बहुत सारी गलतियां हो रही हैं आज, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। व्यय योग्य आय जो होता है भैया, जो आपकी व्यक्तिगत आय होती है उसमें से हम आपके व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, आपकी जो व्यक्तिगत आय है उसमें से हम प्रत्यक्ष कर को क्या कर देते हैं,
माइनस कर देते हैं। छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है, गलतियां बहुत सारी हो रही हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि क्या योग्य आय बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर के, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष वृद्धि करेगा। इजी सा प्रश्न है कि नहीं है, बहुत इजी सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा। और थोड़ा सा दोस्तों लाइक शेयर नहीं किए हैं मैंने अभी तक कहा नहीं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है। तो निवेदन है सभी लोगों से कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, कृपया करके लाइक शेयर जरूर किया करिए। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, छोटी सी बात है, कोई गलत करेगा, कोई गलत करेगा, कोई गलत नहीं करेगा भाई। जब विनियोग बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि होगी दोस्तों तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगा। ये तो चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है, कमेंट करके बताइए मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। थोड़ी सी जब कभी प्रॉब्लम होती है ना तो कठिनाइयाँ लगातार आने लगती हैं, ऐसा अमूमन कभी होता नहीं है, बट कल भी समस्या हो गई, आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का अपना काम है, आगे करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि केंस के अनुसार निम्न में से कौन रोजगार का स्तर निर्धारित करने में सहायक होता है। बढ़िया प्रश्न बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग का बेसिकली उद्देश्य यही तो है ना कि प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करें। मैं आपको प्रश्न आपके सामने ला रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो, बस छोटी सी बात है, ठीक है। चलिए तो केन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन रोजगार का स्तर निर्धारित करने में सहायक होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है भाई, डी के तरफ जा रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी डी के तरफ जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये किसकी बात करते हैं भैया, समग्र मांग फलन की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और समग्र मांग में क्या क्या होता है दोस्तों, इसके दो घटक होते हैं, पहला होता है उपभोग व्यय और दूसरा होता है दोस्तों निवेश व्यय। उपभोग व्यय में क्या होता है, आय आय और उपभोग की प्रवृत्ति होती है, और जो निवेश व्यय होता है उसमें पूंजी की सीमांत दक्षता होती है और ब्याज की दर होती है। अगला है कि केंस सर्वाधिक संबंधित थे, चलिए भाई बताइए किससे संबंधित थे, केंस सर्वाधिक संबंधित थे, किससे संबंधित थे। ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या बी, ए या बी। चलिए तो जितने लोग भी यहाँ पे बी की बात बोल रहे हैं भैया, सभी लोग का उत्तर है, ये मांग जनित मुद्रा स्फीति की बात करते हैं, अर्थात वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के कारण महंगाई बढ़ती है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे मांग जनित मुद्रा स्फीति क्यों होता है ये, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होता है, जब जनसंख्या बढ़ेगा भैया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मांग भी बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो बढ़ेगी वस्तुओं की बढ़ेगी तो आएगा। अगला प्रश्न कि 1-C/Y व्यक्त करते, 1-C/Y क्या व्यक्त करते, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर जो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको समझ आ जाएगा, APC प्लस
APS इज इक्वल टू वन आपने पढ़ा होगा इसको दोस्तों, फिर से आपने ऐसे पढ़ा होगा APS इज टू, पक्षांतर कर दीजिए, वन माइनस APC आपने पढ़ा होगा। फिर आपने दोस्तों APC को आप थोड़ा सा और आगे एक टर्म बढ़ा के लिख देंगे तो सी अपान वाई से इंडिकेट आपने देखा होगा, ठीक है। और फिर दोस्तों इसको थोड़ा सा आप और डिस्क्राइब करेंगे तो APS इज इक्वल टू वन माइनस सी अपान वाई आपने पढ़ा होगा। कुछ याद आया तो मुझे बताइएगा, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, औसत बचत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आय की विषमताओं को मापने के क्या उपयोग जाता है। चलिए मैं वॉइस की प्रॉब्लम को, चलिए वॉइस की प्रॉब्लम को मैं ठीक कर रहा हूँ, वेट कर लीजिए। चलिए आई होप कि अब आपको आवाज तेज आ रही होगी, अब आवाज ठीक है, आवाज सही आ रही होगी अब ठीक। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, लारेंज बकर होगा कि लाटेंज बकर होगा, लाटेंज बकर होगा कि लारेंज बकर होगा, बिल्कुल ठीक है भैया। तो जितने लोग भी लारेंज बकर की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से आय की विषमता को मापने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, लारेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये दो वक्रों के माध्यम से हम लोग आय की विषमता मापते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में वाक्यांश मुद्रा मुद्रा रूपी माप का पैमाना प्रयोग किया। चलिए चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर होगा भाई। बिल्कुल ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, एक पीहू साहब की बहुत ही अच्छी सी लाइन आपको याद आनी चाहिए कि पीहू साहब ने ये कहा था कि जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें जिसे हम मुद्रा रूपी पैमाने में क्या कर सके, माप सके। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर आएगा। तो पीहू साहब ने क्या कहा था कि हमको राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को शामिल करके जिसे हम मुद्रा रूपी पैमाने में क्या कर सके, माप सके। देश के केंद्रीय बैंक, सॉरी, देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं है। अब ये तो इजी सब, चलिए भैया हमारे RBI का कौन सा कार्य नहीं है आपको बता। प्रोसेसेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों, निवेदन है सभी लोगों से जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए बताइए कि देश के केंद्रीय रिजर्व सॉरी देश देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भाई भाई बात अच्छी है, छोटी सी बात है कि आम जनता का जो पैसा होता है उसको RBI स्वीकार नहीं करता। ठीक है, हम दोस्तों हम पैसा लेन देन किससे करते हैं, व्यापारिक बैंक वाणिज्यिक बैंक है, ना कि RBI में, किसी ने RBI में खाता नहीं खुलवाया होगा। ठीक है, RBI का संबंध व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंकों से होता है, वाणिज्यिक और व्यापारिक बैंक संबंध आम जनता। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाख नियंत्रण का उपाय उपाय नहीं है, शाख नियंत्रण का उपाय कौन सा। बिल्कुल ठीक है, ये प्रश्न जो बताएगा बेहतर ना उसके लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे, है ना। ये प्रश्न बहुत मजेदार है, इतना मजेदार कि पूछिए नहीं, मजा आ जाएगा इस प्रश्न को करके, है ना। कि निम्नलिखित में से कौन एक शाख नियंत्रण का उपाय नहीं है, कौन सा शाख नियंत्रण का उपाय नहीं है भाई, कौन सा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बैंक दर होगा, खुले बाजार की क्रिया, साख जमा अनुपात या नगद कोष। ऑप्शन नंबर इसमें थोड़ा ध्यान से मुझे बताइए,
ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा कि इसमें से कोई नहीं होगा? तभी इसमें तो आपको सभी ठीक लग रहे हैं ना, इसमें इसको ऑप्शन है कि यहाँ पे ई देना चाहिए था ना, इसमें से सभी सही है, इसमें सभी सही है, ये ठीक होगा या केवल इसमें सही होगा साख जमा अनुपात। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, उपाय नहीं है की बात कर रहे हैं भाई। छोटी सी बात है, इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है ये साख नियंत्रण से संबंधित है, सारे के सारे जितने हैं सब के सब संबंधित। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि जो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए, मतलब इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें जितना भी दिया गया है सबके सब क्या हो जाएगा, सबके सब यहाँ पे मतलब चारों ऑप्शन एक सिमिलर ही हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से सभी मतलब प्रश्न में ही एरर है, प्रश्न को या तो ये नहीं नहीं पूछता या कुछ और पूछता, प्रश्न का एरर है इसमें और कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर के सही अर्थ की व्याख्या करता है, यह एक दर है जिस पर, ठीक है ठीक है, उसमें से मतलब वो प्रश्न ही थोड़ा सा डिफेक्टिव था प्रश्न। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर के सही अर्थ की व्याख्या करता है, यह एक दर है, रेपो रेट बहुत बड़े होंगे आप लोग बताइए क्या होता है, रेपो रेट तो वही होता है ना कि बैंक अल्पकाल में आरबीआई से उधार लेते, बैंक किससे ले रहे हैं भैया, बैंक किससे ले रहे हैं उधार, आरबीआई से, और जब आरबीआई बैंकों को देता है तो वो क्या होता है रिवर्स रेपो, ये लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर हो जाएगा। रेपो दर क्या होता है कि यह एक दर है जिस पर बैंक जो होते हैं अल्पकाल में आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है, और इसका ठीक उल्टा जो हो जाएगा वो रिवर्स रेपो। अगला प्रश्न, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट, पता है लाइफ में कठिनाइयों का भी अपना एक मजा होता है, आज की क्लास कुछ ऐसे ही है, थोड़ा सा एक सेकेंड। मौद्रिक विभ्रम कब होता है भैया आपको बताना है, और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, बेसिकली आपको याद आना चाहिए कि भैया मौद्रिक विभ्रम का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि महंगाई बढ़ती है लेकिन लोगों को ये लगता है कि हम अमीर हो रहे हैं, वास्तव में ये होता है कि मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम होता है, लेकिन लोगों के पास जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो लोगों को लगता है कि वो क्या हो रहे हैं अमीर हो रहे हैं। क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। देखिए मौद्रिक विभ्रम जो है इसमें क्या होता है कि तभी महत्वपूर्ण है जब स्फीति क्या हो धीमी हो, महंगाई मतलब क्या हो, महंगाई क्या हो धीरे चले, बहुत तेज गति से महंगाई ना बढ़े 2% 5%, परंतु भागती स्फीति में यह समाप्त हो जाता है, बात बिल्कुल ठीक है, और स्फीति की गति को यह बढ़ा देता है, क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो अमीर हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो मांग करना ज्यादा करते हैं, ठीक है, और जब ज्यादा मांग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतें जो होंगी वो बढ़ेंगी, ठीक है, स्फीति की गति को कम करेंगे ये गलत हो जाएगा, और स्फीति की गति को प्रभावित नहीं करेंगे ये भी गलत हो जाएगा, तो ये जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करिए।
चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। मुद्रा गुणक निम्नलिखित के बीच अनुपात होता है। मुद्रा गुणक किसके बीच अनुपात होता है भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो एम अपान एच, अगर जो पढ़े होंगे तो जानते होंगे, एम अपान एच। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक मुद्रा की मात्रा तथा मूल मुद्रा की मात्रा को लिया। तो मुद्रा गुणक के अंतर्गत जो प्राथमिक मुद्रा होती है उसका अनुपात किससे लिया जाता है? मूल मुद्रा की मात्रा से। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन उच्च शक्ति मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन उच्च मुद्रा शक्ति है, बताइए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, निम्न में से कौन उच्च शक्ति मुद्रा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तरह बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई? ठीक के अलावा और कोई? ठीक है, तो उच्च मुद्रा शक्ति के अंतर्गत दोस्तों प्ररचित मुद्रा। ठीक है, तो जितने लोग भी सी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए, उच्च मुद्रा शक्ति या जो प्ररचित मुद्रा शक्ति है, मुद्रा मुद्रा है, इसको रेड्डी कमेटी ने M0 के रूप में क्या किया था, व्यक्त किया था। यही जो प्ररचित मुद्रा है इसे ही दोस्तों उच्च मुद्रा शक्ति के रूप में रेड्डी कमेटी ने क्या किया था, इंगित किया था। अगला, किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझ। चलिए बताइए कि किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझ। ठीक है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल, तो जितने लोग भी फ्रीडमैन की बात करेंगे, छोटी सी बात, फ्रीडमैन ही तो होंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, कि किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग का सिद्धांत समझना चाहिए। तो ये भैया फ्रीडमैन साहब का कहना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में काले धन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? काले धन को नियंत्रित करना है, काला धन क्या होता है? याद आया कि आप गैर कानूनी तरीके से टैक्स से बचने का आप क्या करिए, प्रयास करिए। ठीक है, आप ऐसे ऐसा पैसा रखिए जिस पे आप भारत सरकार को टैक्स ना देते हो, वही तो काला धन होता है ना भाई। तो काले काले धन की स्थिति में अभी क्या हुआ था, अभी काले धन की स्थिति में क्या हुआ था भैया? इतने गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं? अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन होता है कि डिमोनेटाइजेशन होता है। डिमोनेटाइजेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी शब्द क्या होता है? विमुद्रीकरण होता है ना। इसमें क्या होता है कि जो प्रचलन में जो नोट होते हैं उसको सरकार क्या करता है, और उसको क्या करता है कि उसको अवैध घोषित कर देता है। पता है कि अब ये जो प्रचलन में नोट है अब ये नहीं चलेगी, अब वो सरकार क्या करेगी, नई नई नोटों को छाप करके आपके पास दे देंगे। तो भैया डीमोनेटाइजेशन, इतना टीवी पे डिबेट आपने देखा होगा, इतनी सारी चीजें आपने देखी होगी, फिर आप अवमूल्यन की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई? ये छोटी सी बात है ना। डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है, विमुद्रीकरण। इसके अंतर्गत सरकार क्या होता है कि प्रचलन में जो नोट होते हैं उसको क्या, उसकी स्वीकृति सरकार क्या कर देती है, बंद कर देती है, और नए नोटों को छाप के क्या करती है कि अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट करती है। अगला प्रश्न, गलती नहीं होना चाहिए, डिमोनेटाइजेशन पे कम से कम 10 ठो आप लोगों ने क्या किया होगा, डिबेट किया होगा, फिर भी गलती हो रही है। अगला, किस मामले में कर विवर्तन संभव नहीं है? कर विवर्तन किस मामले में संभव नहीं है भाई? बिल्कुल ठीक है, किस मामले में कर विवर्तन संभव नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए कि कर विवर्तन क्या होता है। कर विवर्तन आसान भाषा में कहें तो
आप क्या कर सकते हैं, अपने कर का भार किसी और के ऊपर अगर जो आप टालने में सफल हो जाएं, तो यही कर का क्या है, विवर्तन है। तो किसको आप अपने टैक्स को, कौन सा इसमें से ऐसा टैक्स है जिसको दूसरे के ऊपर आप थोप नहीं सकते हैं, तो भैया ये होता है बेसिकली आयकर के अंतर्गत, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। इसमें क्या होता है, जब आपको सैलरी मिलती है तो उसी सैलरी में से आपको सरकार को टैक्स देना होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं भैया हम टैक्स नहीं देंगे। अगला प्रश्न, ठीक है, कराधान में ऊर्ध्व समता से तात्पर्य क्या है? एक होता है ऊर्ध्व समता और दूसरा होता है क्षैतिज समता। क्षैतिज समता मैंने साथ कल बताया था, और एक होता है ऊर्ध्व समता। चलिए बताइए, किसने दिया था, याद आया? डाल्टन साहब को याद आया कि नहीं आया? डाल्टन साहब, डाल्टन साहब ने करारोपण के संदर्भ में दोस्तों दो बातें की थी, एक ऊर्ध्व समता की बात की थी और दूसरा क्षैतिज समता की बात की थी। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा, ए होगा कि बी होगा? देखिए यहाँ पे ऊर्ध्व समता की बात कर रहा है, तो ऊर्ध्व समता में होता है ना भैया कि असमान परिस्थितियों में करदाता असमान कर अदायत्री होता है, मतलब कर की अदायगी क्या होता है, एक विषम परिस्थिति में अलग अलग होती है। और जो क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है क्षैतिज समता, उसमें क्या होता है, जो क्षैतिज समता होता है उस पे सभी व्यक्तियों से समान रूप से टैक्स लिया, ठीक है? तो दो बातें याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कराघात के संदर्भ में डाल्टन साहब ने दोस्तों दो बातें कही, पहली ऊर्ध्व समता, ऊर्ध्व समता के अंतर्गत उन्होंने कहा कि असमान स्थिति में, किसी विशिष्ट स्थिति में जो करदाता होता है वो असमान कर अदा करता है, ठीक है? और जो दूसरा होता है क्षैतिज समता, इसका मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्ति क्या करेंगे, समान रूप से टैक्स को पे करेंगे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? अगला, मुद्रा स्फीति दबाव को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति को अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए भाई? बिल्कुल ठीक है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए, कि मुद्रा स्फीति दबाव को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति को अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। तो भाई छोटी सी बात है, मुद्रा स्फीति जो प्रभाव है, मतलब अगर जो महंगाई बढ़ रही है इसको नियंत्रित करने के लिए हम सट्टा विनियोग की दिशा को बदलेंगे ताकि लोगों को अप्रत्याशित लाभ ना हो, ठीक है? साथ ही साथ अनुत्पादक विनियोग को हम क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, और उत्पादक विनियोग को हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, निम्न में से किसने राज्य की बढ़ती हुई क्रियाकलाप के नियम का प्रतिपादन किया? थोड़ा आराम से करिएगा, जो लोग पुराने हैं मुझे पता है आपको आता होगा, लेकिन अगर जो मैं मना भी कर दूं कि आप प्रश्न का उत्तर ना दीजिएगा, आप दे ही देंगे उत्तर, तो ठीक है दे ही दीजिए, क्या करना है। हाँ ठीक है, चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भैया जितने लोग भी पिकास वाइजमैन की बात बोलते हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कहते हैं कि एक राज्य का जब आर्थिक विकास होता है तो मांग व पूर्ति क्या होने लगती है, उस राज्य में क्रियाशील होने लगती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अकॉर्डिंग टू द, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, सॉरी वाइजमैन पिकार्ड नहीं, वैगनर साहब, देखिए मैं, ठीक है? तो जितने लोग ये वैगनर की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सरकार की भूमिका को आवंटक, वितरक और स्थायित्व के रूप में पहचाना है? कभी कभी क्या होता है ना कि सोचते कुछ और है, मुंह से निकलता है कुछ और है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और वैसे ही आज की क्लास में बहुत सारा डिस्टर्बेंस, बहुत सारी बातें चलती रहती है दिमाग में, ठीक है? चलिए, निम्न में से किसने सरकार की भूमिका को आवंटक, वितरक और अस्थायित्व के रूप में पहचाना है, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी बोल रहे हैं ना, मस्पियो साहब ने क्या कहा था कि सरकार की तीन भूमिका होनी चाहिए,
एक आवंटक की भूमिका होनी चाहिए, दूसरा वितरक की भूमिका होनी चाहिए, और तीसरा होना चाहिए अस्थायित्व की भूमिका होनी चाहिए। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक। अगला, बजट घाटा सम्मिलित नहीं करता है। चलिए बताइए, ठीक है चलिए, कि बजट घाटा सम्मिलित किसको नहीं करता है बताइए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई ऑप्शन नंबर, ठीक है तो सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बीओपी, बीओपी की बात बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बीओपी की बात बोल रहे हैं वो पता ही हुआ दोस्तों, ये भुगतान असर बात कर रहा है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा करारोपण का प्रमुख उद्देश्य है? करारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताना, ठीक है। चलिए, वो एक समय था जब परंपरागत और आधुनिक अर्थशास्त्री कहलाए। आज तो जो स्थिति है, नौकरी अगर जो मिल गई तो आप बहुत महान है, नौकरी नहीं मिली तो चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, कितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ के क्यों नहीं बैठे हो, फिर लोगों की नजर में क्या रहेगा यार बेरोजगार है, पढ़ा ठीक से नहीं होगा। लोग यही कहते हैं कि यार पढ़ा नहीं ठीक से होगा तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए, तो वर्तमान समय में क्या है कि आप पढ़ाई करिए ज्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा करारोपण का प्रमुख उद्देश्य है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं भैया, छोटी सी बात है, कर सरकार क्यों लगाती है? सरकार कर इसीलिए तो लगाती है ना कि सरकार को आय मिल सके, सरकार का राजस्व बढ़ सके। जब सरकार को आय मिलेगा तो सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय करेगा, छोटी सी बात है। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं भाई? सरकार टैक्स इसीलिए तो लगाती है ना कि सरकार को आय मिले, जब आय मिलेगी तो सरकार के राजस्व बढ़ेंगे, जब सरकार का राजस्व बढ़ेगा तो सरकार सार्वजनिक फायदे करेगा, जिससे देश की आधारभूत संरचना का विकास होगा, गरीबी और अमीरों के बीच की खाई कम होगी। छोटी सी बात है, गलती हो रही है। अगला, केंद्र सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन एक गैर कर आय का स्रोत है? ठीक है, देखिए छोटी सी बात है, चूंकि मैं जहां पे हूं प्रयागराज में, यहाँ पे एक नहीं मैं बहुत एग्जाम्पल देखता हूँ। जैसे एक जो जब प्रयागराज में रहता हूँ तो एक अलग सी दुनिया देखता हूँ, और जब प्रयागराज से बाहर जाता हूँ तो एक अलग सी दुनिया देखता हूँ। प्रयागराज में दोस्तों मेरे जानने पहचानने वाले या नहीं भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेंस कम से कम 5 बार लिख के बैठे, मेंस 5 बार लिखे हैं, 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। कई कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही बीत गई मेंस लिखते हुए, पीसीएस की बात कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो बेचारे नहीं कहीं सेलेक्ट हो पाए, और हुए भी तो जो उनको जिंदगी से चाहिए था वो मिल, जो जिंदगी से चाहिए था वो मिला नहीं, और जो नहीं चाहिए था वो मिला। छोटे मोटे एग्जाम क्रैक किए लेकिन उनमें उनकी रुचि नहीं थी तो गए ही नहीं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्रयागराज में कि जो लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, किसी कारणवश नहीं हो रहा है, या तो दुर्भाग्य कहिए या कुछ थोड़ी बहुत कुछ भी बोल सकते हैं आप। लेकिन जब ये लोग प्रयागराज के अंदर रहते हैं ना तो इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत मतलब लोग जानते हैं कि सब बढ़िया है। लेकिन जब बाहर जाते हैं ना तो जो अनपढ़ गंवार टाइप के लोग होते हैं वो भी बोल देते हैं यार कितने दिन से पढ़ रहे हो, कब तक पढ़ोगे। तो उस बच्चों का दर्द वो क्या समझेंगे जो बाहर रह रहे हैं। अगला प्रश्न, कि केंद्र सरकार के बजट में निम्नलिखित में से कौन एक गैर कर आय का स्रोत है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई भी है सी की तरफ क्यों जा रहे हैं, बी की तरफ जाइए, सार्वजनिक उपक्रम के लाभ को हम भैया केंद्र सरकार के बजट के अंतर्गत थोड़ी शामिल करते हैं। यहाँ पे गैर कर मतलब जो कर नहीं है
जो टैक्स नहीं है, तो सार्वजनिक उपक्रम के ये लाभ होते हैं दोस्तों, ना कि टैक्स होते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेफर वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध बताता है? चलिए भैया लेफर वक्र के बारे में बताइए, लेफर वक्र किसके मध्य संबंध को बताता है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, छोटी सी बात है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कर की दर और कर राजस्व में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लेफर वक्र दोस्तों एक बार नहीं, बहुत बार देखा गया है कि ये कर की दर और कर राजस्व के बारे में बताते हैं। एक दूसरे में कैसा संबंध होता है, विलोम संबंध होता है या अनुपातिक संबंध होता है, कमेंट करके बताइए, कई बार बताया हूँ। अगला, कि किसी देश के भुगतान संतुलन में निम्न में से कौन कारक असंतुलन को ठीक नहीं कर सकता है? चलिए बताइए मुझे, कि किसी देश के भुगतान संतुलन में निम्न में से कौन कारक असंतुलन को ठीक नहीं कर सकता है? चलिए क्या उत्तर होगा भाई? क्या कह रहा है? देश के भुगतान संतुलन में आए असंतुलन को ठीक नहीं करेगा। चलिए क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बच्चों वाली बात है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखिए, क्यों पी की तरफ जा रहे हैं? आयात शुल्क में हम वृद्धि करेंगे, ये कह रहा है ठीक नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं की बात हो रही है। तो भैया नहीं की बात हो रही है तो हम आयात शुल्कों में कटौती करेंगे ना, जब कटौती करेंगे तो और आयात आएगा, तो और भुगतान असंतुलन की स्थिति में जाएगा। नहीं बात कर रहा है ना, असंतुलन को ठीक नहीं कर सकता, इसकी बात कर रहा है। ठीक कर सकता है तब आप यहाँ पे जा सकते थे, छोटी सी बात थी। ऑप्शन नंबर सी, कंसंट्रेट होके जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब आयात शुल्कों में आप कटौती कर देंगे तो और भी आयात होने लगेगा आपके देश में, तो इससे और क्या हो जाएगा, असंतुलन कैसे उत्पन्न होता है, आयात और निर्यातों से तो होता है ना दोस्तों। जितने लोग भी सी कर रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में क्या ठीक है? अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में क्या सही है, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई क्या है भैया? अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, याद आया, याद आया, किसकी बात हो रही है? आईडीए की बात हो रही है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये है दोस्तों आईडीए, याद आना चाहिए। इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, विश्व की सुलभ ऋण खिड़की, क्योंकि ये कम ब्याज दर या ना के बराबर ब्याज दर पे ये दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये विश्व बैंक की सहायक है। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्यों भैया? आईडीए की नहीं जानते आप? विश्व बैंक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसी देश के लिए एक स्थिर विनिमय दर वांछनीय है, क्योंकि क्यों है भैया बताइए? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक, क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर ठीक है, क्या उत्तर होगा? डी होगा, और कोई भाई? डी होगा, और कोई? डी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी डी के तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है।
किसी देश के लिए एक स्थिर विनिमय दर वांछनीय है क्योंकि यह देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है, यह देश के नियोजित आर्थिक विकास में सहायता करती है और यह अंतरराष्ट्रीय ऋण प्रवाह में अबाध्य रूप से सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगला, एक सामान्य बाजार जहां सदस्य देश बृहद आर्थिक एवं विनिमय दर नीतियों का समन्वय करते हैं उसे संबोधित करते हैं। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए आपका ये प्रश्न, क्योंकि तो मैंने बहुत बार करवाया है, बहुत जोर दे के बहुत बार इस प्रश्न को मैंने करवाया है। थोड़ा सा एक बार लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। देखिए, एक सामान्य बाजार जहां सदस्य देश बृहद आर्थिक एवं विनिमय दर नीतियों का समन्वय, ये शब्द अगर जो पकड़ लिए होते तो आप बहुत आराम से इस प्रश्न का उत्तर करते। समन्वय करते भैया, बृहद आर्थिक एवं विनिमय दर नीतियों का मतलब क्या करते हैं वो क्या करते हैं, वो व्यापार में उत्पन्न जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। ये संघ होते हैं, ये आर्थिक संघ होते हैं, ये आपस में मिल करके विनिमय दर को कैसे सुगम बनाया जाए, किस तरीके से आयात निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, इस पे ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, विचार करते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, आर्थिक संघ, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला, निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र कहलाता है। चलिए, दे रहा है, क्या कह रहा है कि निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है भैया, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया, प्रस्ताव वक्र बोल रहे हैं, किसकी याद आई, प्रस्ताव वक्र देख के एज्वर्थ और मार्शल की याद आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, ठीक है। प्रस्ताव वक्र किसने दिया था, ये दिया था दोस्तों एज्वर्थ और मार्शल साहब ने, और इसमें इन लोगों ने निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयात की जाने वाली अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करने वाले वक्र के रूप में प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ईमानदारी से बताइएगा मुझे कि प्रस्ताव वक्र जब आपके सामने आया तो आपको याद आया एजवर्थ साहब का और मार्शल साहब का कि नहीं आया, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना है, मैं बोलता हूँ बार बार कि आपको समझ में आनी चाहिए, चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए। अगला, एक लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होती है, कैसे होती है भाई, ठीक है। एक लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होती है, ठीक है, हाँ उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जब भी मैं बोला करूँ ना कि याद आया कि नहीं आया, तो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूंगा, ठीक है, कहीं दिमाग को और न लेते जाइएगा कि याद आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होती है, जब भी मैं बोलूँ कि किसी की याद आई कि नहीं आई, तो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर निर्धारित होती है, कैसी होती है भैया, तो ऑप्शन नंबर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भैया। विनिमय दर का निर्धारण केवल और केवल मांग और पूर्तियों की शक्तियों के आधार पर होता है, एक छोटी सी बात है आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, कि लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। अगला प्रश्न रहा आपके सामने ये, मतलब सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मार्शल लर्नर शर्त संबंधित है, क्या उत्तर होगा भाई बताइए, मार्शल लर्नर शर्त संबंधित है, किससे संबंधित है, ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, छोटी सी बात है, क्या उत्तर होगा भाई, तीन कंडीशन याद आना चाहिए, तीन कंडीशन मार्शल लर्नर ने दिया था, कौन कौन सा भैया, जब ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन होता है वन के, जब ई एक्स प्लस ई एम इज इक्वल टू होता है वन के, जब ई एक्स प्लस ई एम
लेस देन होता है 1 के, तीनों कंडीशन याद आया कि नहीं आया? याद आना चाहिए, अगर जो नहीं आया तो अच्छी बात नहीं है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मार्सर लर्नर शर्त संबंधित है अवमूल्यन के लाभ हानि से। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तीन दशाओं की उन्होंने बात की थी ना। पहली दशा क्या बताया था? ई एम प्लस ई एक्स ग्रेटर देन 1, याद आना चाहिए, पढ़े होंगे एक कॉन्सेप्ट तो याद आना चाहिए। ठीक है, ये जे वक्र संकल्पना के अनुसार अवमूल्यन सहायक होता है। चलिए भैया, जे वक्र की बात आ गई। चलिए, जे वक्र संकल्पना के अनुसार अवमूल्यन सहायक होता है, कब सहायक होता है भैया? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई? चलिए, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, और कोई सी बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये जे वक्र संकल्पना के अनुसार अवमूल्यन सहायक होता है केवल और केवल किससे दोस्तों? दीर्घ काल से। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद आना चाहिए कि जे वक्र संकल्पना के अनुसार जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो प्रारंभ में उसके भुगतान असंतुलन में वृद्धि होती है, किंतु दीर्घ काल में असंतुलन में क्या आती है? कमी आ जाती है। प्रारंभ में वृद्धि होती है असंतुलन में, लेकिन दीर्घ काल में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, की तुलनात्मक लागत का सिद्धांत सबको मान्यता देता है सिवाय इसके। अच्छा, थंबनेल कैसा लगा आप लोग को? कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास का थंबनेल कैसा लगा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है थंबनेल? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत सबको मान्यता देता है सिवाय इसके। ठीक है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो साहब ने। ठीक है, क्या उत्तर होगा? ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तकनीकी और ज्ञान अपरिवर्तित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। यार ये सी के तरफ इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं? ये इतने सारे लोग सी के तरफ क्यों जा रहे हैं? ये तो भाई कहते हैं, ये बात कहते हैं कि तकनीकी अपरिवर्तित है, तकनीकी अपरिवर्तित है, ये बात ये कहते हैं, तो सी कैसे हो जाएगा? सी बिल्कुल नहीं होगा। डेविड रिकार्डो का अगर जो आप तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत सबको मान्यता देता है सिवाय इसके, मतलब किसको छोड़ के? सिवाय इसके मतलब किसको छोड़ के? तो भैया उनकी मान्यताओं में जब आप पढ़ेंगे तो पहली मान्यता पढ़ेंगे कि ये दो देश की बात करते हैं, फिर बात पढ़ेंगे कि यातायात लागत सम्मिलित नहीं होता है, उत्पत्ति के दो साधनों की बात करते हैं, तकनीकी ज्ञान को ये अपरिवर्तित मानते हैं और दो देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार होता है। ये सारी चीज मानते हैं भाई, सब कुछ मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए ना दोस्तों, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि सर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना ये ऑप्शन ठीक नहीं है। आपको बोलना चाहिए था कि सर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये कोई भी ऑप्शन इसमें से ठीक नहीं है, ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कि विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है, कैसे भाई? ठीक है, कि विपरीत भुगतान संतुलन को सुधारा जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है भाई? ठीक है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही है, गलती नहीं होना चाहिए। विपरीत भुगतान संतुलन होगा तो हम क्या करेंगे? अवमूल्यन करेंगे, बिल्कुल ठीक है। पुरजोर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम करेंगे,
ठीक है, मतलब अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में ले जा करके बेचेंगे, ठीक है, और आयात प्रतिस्थापन करेंगे, मतलब आयात को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। भुगतान असंतुलन की स्थिति कैसे हो जाती है, अगर जो आसान भाषा में कहें तो, हम आयात बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरे देशों से आयात बहुत ज्यादा करते हैं, उसकी अपेक्षा में हमारे निर्यात मतलब अपने देशों से दूसरे देश में वस्तुओं को कम बेचते हैं। तो इस कारण से दोस्तों एक मोटा मोटी बात आप छोटी सी कह सकते हैं कि भुगतान असंतुलन की स्थिति क्रिएट होती है, तो हम आयात प्रतिस्थापन करेंगे, मतलब आयात को कम करेंगे और अपने देश में अपने स्वदेशी उद्योगों की स्थापना करेंगे, जिससे जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति हमारे ही उद्योग कर सके। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साधन विन्यास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, जी सा प्रश्न है कि नहीं है, साधन विन्यास की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्या होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, याद आना चाहिए कि हेक्सर ओहलिन साहब कहते हैं कि एक राष्ट्र को या एक देश को उन्हीं साधनों का उत्पादन करना चाहिए जिन जो उनके पास प्रचुर मात्रा में विद्यमान, उसी जो जो संसाधन उस देश में या उस राष्ट्र में उपलब्ध हैं, उसी संसाधनों के कारण क्या करें, उसी संसाधनों के द्वारा हमको उत्पादन करना चाहिए और फिर व्यापार करना चाहिए। तो जितने लोग भी ओहलीन साहब की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अल्प बचत कोष में शामिल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय अल्प बचत कोष में शामिल नहीं किया सम्मिलित नहीं किया जाता है, बताइए तो क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर, देखिए इसको मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, जो राष्ट्रीय अल्प बचत कोष है इसके अंतर्गत दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना को शामिल किया जाता है, डाकघर सावधि अवधि जमा को शामिल किया जाता है, किसान विकास पत्र को शामिल किया जाता है, सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना को शामिल किया जाता है, लेकिन व्यापारिक बैंकों की अवधि जमाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, गलत ना करिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत माला एक ऐतिहासिक सड़क निर्माण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था में घने संसाधन उपलब्ध होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। और दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन नहीं लिया है, अगर जो आप झारखंड पीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं या यूपीटी जेटी पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके सिलेबस के अनुसार ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में पूरी इकोनॉमिक्स की नोट दी जा रही है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी मिल रहा है और आपका करंट भी कवर कर दिया जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा वो सारी चीजें दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए, सारी चीजें दोस्तों आपकी क्लियर हो जाएगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये आपको इस नंबर पर पेमेंट करना होगा, गूगल पे फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल ठीक है, तो भारत माला एक ऐतिहासिक सड़क निर्माण कार्यक्रम है, ये कब प्रारंभ हुआ था भैया, ये हुआ था 2015 में, ठीक है, ये कब हुआ था 2015 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, और इस कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था में घने संसाधन उपलब्ध कराने के का उद्देश्य रखा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, जीएसटी के मुख्य फायदे क्या है, दोस्तों जीएसटी की बात बहुत हो रही है, जीएसटी की कितनी दरें हैं, याद आया, याद आया, याद आया, 5, 8, 18 और 28, यही है ना, 4, 5, 5, 12, 18 या 28, ठीक, 5, 12, यही तो है साथ, 5, 12,
18 और 28, ठीक है। हाँ तो ये याद आने चाहिए कि दरें क्या है, ये भी याद होना चाहिए, पूछा जाता है। जीएसटी के मुख्य फायदे क्या है भाई, बताइए जीएसटी के मुख्य फायदे क्या है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, 5, 12, 18 और 28 बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सहकारी संघवाद का बढ़ावा, घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार में कमी और सामान्य बाजार की परिकल्पना, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल। अगला प्रश्न ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 8 आधारभूत उद्योगों के समुदाय में सम्मिलित नहीं है। 8 आधारभूत उद्योग को आपको कहीं छोटा मोटा कॉपी में लिख लेना चाहिए, समय समय पर थोड़ा सा उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। बताइए मुझे 8 आधारभूत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भैया, क्या क्या आता है। रिफाइनरी आता है, विद्युत आता है, इस्पात आता है, कोयला आता है, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक आता है। कौन नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है। डी नहीं आता है, कपड़ा नहीं आता है, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक। अगला, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट की, बताइए। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा। बिल्कुल डी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि नव परिवर्तन को विकसित करना, दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को सृजित करना, उपरोक्त सभी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य है। अब ये प्रश्न नहीं आएगा, अब ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए ठीक है। और एक बात समझ लीजिए दोस्तों, जो लोग भी हमारे साथ है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट क्लास में जुड़े हैं, आप करंट के लिए परेशान ना होइए, करंट मेरे द्वारा कराया जाएगा ठीक है। और बहुत सारे लोग गलती ये भी करते हैं कि पिछले 6 महीने की जो पत्रिका होती है उसको खरीद के केवल उतने ही पढ़ लेते ठीक है। तो जो यूपी पीजीटी की अगर जो हम बात करें ना, तो आपको बहुत गहन नहीं पढ़ना है, लेकिन कम से कम 1 साल का जो डाटा आपको तैयार होना चाहिए, पिछले 1 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है ठीक है। उनका करंट कुछ अलग ही करंट होता है ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को राष्ट्रीय आय का 2.5% करना, प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना और जिला स्तर पर अधिकांश द्वितीयक देख रेख प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, सर्वव्यापी आधारभूत आय के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अननेसेसरी करेंट पे बहुत सारा समय गंवा रहे हैं ठीक है। जहां पे आपको समय देना है वहां पे आप ज्यादा दीजिए ठीक है, जहां पे आपको समय देना है वहां पे आप ज्यादा दीजिए। करंट हमारे समझ से आपको 5 से 6 दिन पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा अगर जो आप दे रहे हैं समय, पीजीटी की बात कर रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं अपव्यय कर रहे हैं समय का ठीक है। 5 से 6 दिन पढ़िए दम लगा के, जो भी 1 साल की कोई पत्रिका है मोटी मोटी चीज से, खास करके जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है उसको पढ़ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा। सर्वव्यापी आधारभूत आय के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी सभी लोग बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है कि सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से, गरीबी हटाने के दृष्टिकोण से और न्यूनतम जीवन स्तर के दृष्टिकोण से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक आयामी आरेख है ठीक है ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन एक आयामी आरेख है, आपको बताना है क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। आयात चित्र और दंड आरेख, इसको दोनों को हम आयाम के रूप में, रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ए और बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वस्तु का मांग वक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। वस्तु का मांग वक्र किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा भाई, बताए। वस्तु का मांग वक्र किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा, क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर, वस्तु का मांग वक्र ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं कि वस्तु का मांग वक्र की बात कर रहा है, फिर इतनी गलती क्यों हो रही है, क्या बोल रहे हैं सभी लोग, क्या बोल रहे हैं। बी बोल, बी होगा ना इसका उत्तर, बी उत्तर होगा ना, फिर क्यों गलत बोल रहे हैं भाई। ये कीमत उपभोग के वक्र के द्वारा ही तो हम वस्तु के मांग वक्र को ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। बी के अलावा जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यही तो बताता है, ये क्या बताता है, ये कीमत उपभोग वक्र हमें क्या बताता है, यही तो बताता है कि मूल्य प्रभाव जो है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो वस्तु का मांग वक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, कीमत उपभोग वक्र के द्वारा। अगला प्रश्न, कि मुद्रा की लेन देन हेतु मांग ब्याज के प्रति लोचदार हो सकती है, यह तर्क किसने, किसके द्वारा दिया गया था। बच्चों वाला प्रश्न है ना, बिल्कुल पीपीसी करो, बिल्कुल ठीक है, पीपीसी की बात। अब बताइए, इस प्रश्न का उत्तर जो सही देगा वो वाकई में बहादुर छात्र होगा, बहादुर छात्र ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर, मजेदार सा प्रश्न है, बहुत मजेदार है, जितना देखने में आसान है उतना आसान नहीं है। सब गलत, सब गलत, सब गलत हो गए, सब गलत, सब के सब गलत हो गए, ठीक है। आरिफा बेगम जी का ही केवल एक उत्तर सही है, बाकी जो एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता था वो करवा दिया है, ठीक है। जो एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता था वो मिस्टेक आपने कर दिया है। अरे भैया, किंस साहब ने मुद्रा की मांग, किंस साहब ने मुद्रा की मांग के केवल तीन उद्देश्य बताए, कौन कौन बताया, लेन देन या सौदा उद्देश्य, दूसरा बताया और सुरक्षा उद्देश्य या सतर्कता उद्देश्य, और तीसरा बताया सत्ता उद्देश्य। तो भैया ये तो गलत हो जाएगा ना, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा ना। तो मुद्रा की लेन देन हेतु मांग ब्याज के प्रति लोचदार हो सकती है, यह तर्क किसके द्वारा दिया गया, तो उपरोक्त में से कोई के द्वारा नहीं। एग्जामिनर इसीलिए दिया है कि आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करें और गलत करें, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस सामान्य लाभ निम्नलिखित में से किस उत्पादन लागत का अंश है, ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई। बिल्कुल, एक बात किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, अनिल ने कमेंट किया, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी जेम्स टोबिन साहब ने, ठीक है, जेम्स टोबिन ने ये बात कही थी, ये स्टेटमेंट जो दिया था ये जेम्स टोबिन का है, याद रखिएगा, कि मुद्रा की लेन देन हेतु मांग ब्याज के प्रति लोचदार हो सकती है, ये बात कही गई है जेम्स टोबिन साहब के द्वारा, ठीक है। सामान्य लाभ निम्नलिखित में से किस उत्पादन लागत का अंग है, बढ़िया प्रश्न बताइए, ठीक है, ठीक है। कि सामान्य लाभ निम्नलिखित में से किस उत्पादन लागत का अंग है, तो क्या उत्तर होगा भाई। सामान्य लाभ क्या होता है, क्या होता है, याद आया,
याद आया कि नहीं आया? अस्पष्ट लागते हैं प्लस अस्पष्ट लागते हैं प्लस सामान्य लाभ। कहता हूं लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, लिखेंगे नहीं तो कैसे चीजें ठीक होंगी। सामान्य लाभ क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। सामान्य लाभ में अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ को शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से क्या केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? चलिए बच्चों वाली बात आ गई। केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं भाई, बताइए? केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? दोस्तों थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, क्या उत्तर होगा? डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं। काले धन पे नियंत्रण कौन करेगा? सरकार की थी ना, जब काले धन पे नियंत्रण हुआ था तो मोदी जी चर्चा में आए थे ना, मोदी जी चर्चा में आए थे ना कि आरबीआई के गवर्नर चर्चा में आए थे। ये भैया नियंत्रण तो कौन करेगा? नीतियां बनाएगा सरकार, इंप्लीमेंट करवाएगा किससे? आरबीआई से। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किन अर्थशास्त्री व्यय के नाम लगान सिद्धांत से जुड़े हैं? बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा? ठीक है, टी के यू, टी कौन है? कौन है भाई? टी चलिए भाई, चलिए क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का उत्तर? निम्नलिखित में से किन अर्थशास्त्री द्वय के नाम लगान सिद्धांत से जुड़े हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, अल्फ्रेड मार्शल तथा डेविड रिकार्डो, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किन अर्थशास्त्री द्वय के नाम लगान सिद्धांत से जुड़े हैं? तो अल्फ्रेड मार्शल और डेविड रिकार्डो। अगला, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कहा अर्थशास्त्र न केवल प्रकाशदायक है वरन फलदायक भी है? ठीक है, बताइए किसने कहा था भाई अर्थशास्त्र न केवल लाभदायक है वरन फलदायक भी है, फल भी देता है केवल लाभ नहीं देता है, बताइए किसने कहा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पीगू साहब की तरफ जा रहे हैं, पीगू को जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भैया। ये बात पीगू साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अर्थशास्त्र न केवल सॉरी प्रकाशदायक है, प्रकाशदायक है, देखिए मैंने गड़बड़ पढ़ दिया, ठीक है, अर्थशास्त्र न केवल प्रकाशदायक है वरन फलदायक भी है। अब कहिए, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए इस प्रश्न का उत्तर, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जो कहना है ये पीकू साहब का कहना है, ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्री मांग के संदर्भ में जेबी से भिन्न सोचता था? जेबी से भिन्न सोचता था, ठीक है, ठीक है, हाँ ये बात सही है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन होना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि इसमें ये जो ऑप्शन दिया गया है ये रॉबिन्स केवल दिया गया है, इसलिए आयोग ने रॉबिन्सन को नहीं माना है, ठीक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
उनका भी स्टेटमेंट ये था, ठीक है। लेकिन उनके साथ साथ इसमें शायद आयोग ने जो उत्तर इसका माना है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी माना है, और इसमें इन्होंने रॉबिन्सन, ये जो लिखा गया है वो केवल रॉबिन्स लिखा गया है, तो इस वजह से दोस्तों इसका उत्तर इन्होंने नहीं माना है, ठीक है। आपकी जो बात है वो मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों, अगर जो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन रहती तो ठीक होता, लेकिन ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, चलिए भाई कृपया करके बात ना करिए, क्यों बात हो रही भाई। क्यों बात हो रही भाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्री मांग के संदर्भ में जेबी से भिन्न सोचता था, कौन सोचता था, क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर ये होगा माल्थस साहब, माल्थस साहब होंगे, तो जितने लोग भी माल्थस की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थशास्त्रीय मुद्रा के मांग सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, कौन सा अर्थशास्त्रीय मुद्रा के मांग सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है, आपको बता, चलिए बताइए, ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, मुद्रा के मांग सिद्धांत से कौन सा अर्थशास्त्र है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं किसकी बात बोल रहे हैं भैया, ऑल्डोर होगा ना, ये मुद्रा के वितरण सिद्धांत से जुड़े हैं, ना कि मुद्रा के मांग से, ये वितरण से जुड़े हैं, निकोलस ऑल्डोर वितरण से जुड़े हैं भैया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, देखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स की सारी इकोनॉमिक्स के सारे दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ A to Z इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको सिंपल सटीक और साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से बार बार आप टेस्ट देंगे, आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे वीडियो और PDF दोनों फॉर्म में। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका करंट भी कवर करा दिया जाएगा और वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम है। झारखंड TGT PGT का अलग बैच है, UP TGT PGT का अलग बैच है दोस्तों, एडमिशन ओपन है, एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2,000 रुपये है। तो इस नंबर पे आपको 94 15 863 873 पे 2,000 रुपये पेमेंट करना होगा गूगल पे फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। अगर जो कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। झारखंड TGT PGT का न्यू बैच प्रारंभ है, यहाँ भी आपको वीडियो लेक्चर नोट्स टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब सारी चीज़ें मेरे द्वारा दी जाएंगी। झारखंड स्पेशल भी करवाया जाएगा, सब कुछ करवाया जाएगा, आपको कहीं भी अलग से कुछ भी कॉन्टेंट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस नंबर पर पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जो केवल आपको नोट्स चाहिए इकोनॉमिक्स का, तो 500 रुपीज़ पेमेंट करके लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों टेस्ट सीरीज तैयार है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेलुएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 300 रुपीज़ आप पेमेंट करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर भी अगर जो आपको चाहिए तो वीडियो और PDF दोनों फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लेते हैं दोस्तों, कोई भी अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज ना ही इकोनॉमिक्स के कोई भी नोट्स ना ही करेंट का नोट्स कुछ भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों को जो आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो ज़रूर एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्तों। ईमानदारी से एप्लीकेशन पर पढ़ते रहिए, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए मैं आपके कमेंट को थोड़ा सा देख लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। प्रभु कुमार जी थैंक यू वेरी मच, तस्लीम खान जी, मीनू यादव जी, विकास जी,
प्रकाश चंद जी, रिया जी, सुरेंद्र सिंह जी, उर्मिला जी, सुमन जी, सुहान जी, अर्चना जी, राम तीरथ जी, अनिल जी, रेणु जी, साहिद अली जी, बबीता जी, वीरेश जी, प्रकाश चंद जी, लाल बहादुर जी, सुनीता तिवारी जी, चंद्र प्रकाश चंद जी, ललिता जी, विकास कुमार जी, चंदन सिंह जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए। रत्नेश कुमार जी, अनिल जी, देवेंद्र जी, चलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सही कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत बार लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन कंटेंट ही सही नहीं होता, इसलिए वो असफल। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।